कोरोना काल में जिस तरह से मरीजों की मौत हो रही है उसके चलते कई जगह परिवार वाले शव लेने से और संस्कार करवाने से हाथ पीछे खींच रहे हैं। ऐसे मामलों को देखते हुए अब प्रशासन की तरफ से ऐसे मरीजों जिनकी मौत हो जाती है उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था अपने स्तर पर की गई है। वहीं अब शाहपुर के SHO ने भी ऐसे मामलों में आगे आने की बात कही है। SHO शाहपुर त्रिलोचन राजपूत ने कहा, ऐसी रिपोर्ट उन्हें मिली थी कि किसी परिवार के सदस्य की कोरोना से मौत हो गई तो परिवार के सदस्य डर के चलते मृतक का संस्कार नहीं करवा पाए। ऐसे मामलों में प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई है, लेकिन मेरे ध्यान में ऐसा कोई मामला आया कि कोरोना मरीज की मौत होने पर परिवार वाले संस्कार से मना करते हैं तो मैं अपने स्तर पर प्राथमिकता के आधार पर मृतक के संस्कार की व्यवस्था करूंगा। आपने ठीक क्वेश्चन किया। अभी कुछ हमारे पास ऐसी रिपोर्ट्स भी आई थी कि अगर किसी की फैमिली का कोई बंदा ड्यू टू कोरोना एक्सपायर हो गया तो उसकी फैमिली के मेंबर भी उसके क्रीमेशन में नहीं जा पाए, नहीं गए डर के कारण, लेकिन प्रशासन की ओर से प्रशासन के आदमी वहाँ पे जाते हैं और हमारी पुलिस स्टाफ SDM साहब वगैरह वहाँ पे जाके उसका क्रीमेशन करवाया जाता है सरकारी प्रशासन की ओर से। अगर मेरी जानकारी में ऐसा कोई मामला आता है कि कोई कोरोना से व्यक्ति की मृत्यु हुई है और उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार करने के लिए उसके जो घर वाले हैं या उसके जो परिवार के सदस्य हैं वो भी मना कर रहे हैं, तो मेरी प्राथमिकता ये होगी कि मैं अपने स्तर पर ही चाहे कैसे भी मैनेज करके उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार करवाऊंगा किसी भी हालत में। सर, अभी मुझे 2-4 दिन ही हुए यहाँ पे ज्वाइन किए हुए, तो मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि जो आज की डेट में जैसे कोरोना काल चला है, मेरी लोगों से ये अपील होगी कि बिना वजह और बिना मास्क के घर से ना निकलें। बहुत ही ज़्यादा अगर मेडिकल इमरजेंसी है तो घर से बाहर निकलें, और बाज़ार में जब आते हैं लोग शॉपिंग वगैरह करने के लिए तो सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, वहाँ पे भीड़ वगैरह वहाँ पे ना लगाएं ताकि इस कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। पुलिस पेट्रोलिंग के दौरान जो भी व्यक्ति हमें बिना मास्क पहने हुए दिखाई देता है तो उसका चालान किया जाता है, उसको फाइन किया जाता है, और अगर कोई गाड़ी में भी बैठा है और उसने मास्क नहीं लगाया तो उसका भी चालान किया जाता है। तो बिना मास्क हम किसी भी आदमी को स्पेयर नहीं करते पब्लिक प्लेस में। ऐसा नहीं है कि हम लोग मेन रोड पे ही पेट्रोलिंग करते हैं, मॉर्निंग टाइम और इवनिंग टाइम पे मैं खुद जाता हूँ, जो ग्रामीण एरिया है वहाँ पे मैं खुद निकलता हूँ। हमारी अगर मैं किसी दिन ना जा पाऊँ तो हमारी पुलिस के अन्य ऑफिसर्स पेट्रोलिंग करते हैं ग्रामीण एरिया में भी, और ग्रामीण एरिया में भी अगर कोई व्यक्ति बिना मास्क के हमें मिलता है और बिना वजह घूमता हुआ मिलता है तो उसका भी चालान किया जाता है, उसको भी जुर्माना किया जाता है। अभी फ़िलहाल ऐसा कोई भी मामला मेरे संज्ञान में यहाँ पे नहीं आया कि किसी के खिलाफ़ FIR दर्ज की हो। हाँ, मास्क के और अननेसेसरी मूवमेंट के चालान जरूर किए गए हैं और उनको जुर्माना भी किया गया है। अननेसेसरी मूवमेंट में जैसे 1000 फाइन किया गया है, जो व्यक्ति बिना कारण से बाहर से निकला तो उसको फाइन भी किया गया है, और ऐसा करते भी रहेंगे जब तक कि ये जो सिचुएशन जो है थोड़ी नॉर्मल नहीं हो जाती है। लगभग हर रोज 6-7-8 मामले सामने आ ही जाते हैं, हर रोज कभी 4 भी आते हैं। लोगों में एक डर का वातावरण भी पैदा हो जाता है, जैसे पुलिस पेट्रोलिंग करती है तो उनको पता है कि पुलिस पेट्रोलिंग करती है तो इस कम कई बार कम भी मिलते हैं, और कई बार अगर कोई मिल जाए तो फिर 6-7-8 भी हो जाते हैं कई बार, और उनको उनका फिर चालान किया ही जाता है, उनको बख्शा नहीं जाता। मेरी बार बार पब्लिक से यही अपील रहेगी कि जैसे प्रशासन की ओर से जो COVID-19 के संदर्भ में जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, पहली बात तो बिना वजह घर से ना निकला जाए। अगर निकलने के बाद इमरजेंसी में, जैसे मान लो मेडिकल इमरजेंसी है, तो उस सूरत में ही निकला जाए, या फिर कोई ऐसा ज़रूरी सामान बाज़ार से ख़रीदना है तो उस सूरत में घर से निकला जाए, और घर का एक मेंबर ही बाज़ार में आके ख़रीदारी करने के लिए आए, और गाड़ी वगैरह ना लेके, अगर गाड़ी लाने की ज़रूरत पड़ जाती है, बाज़ार दूर है तो गाड़ी को बाज़ार से दूर ही खड़ा करें, और बिना मास्क के पब्लिक प्लेस में ना आए और ना ही वहाँ थूकें वगैरह, और बाज़ार में आकर के भी सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखें। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए शाहपुर से राजेश कुमार।